नमस्कार दोस्तों, एमपी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम भेड़ाघाट के प्रसिद्ध पचमठा मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो आइए दोस्तों, आप भी चलिए हमारे साथ। साथ ही साथ अपन रास्ते में इस मंदिर के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और ये जो कल्चरी वंश के समय की गौरवशाली जो उनका स्वर्ण काल था उस समय की जो दास्तान है उसको बयान करता है। तो ये मंदिर जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और एक्चुअली में जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तो उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा जंगल था और केवल एक पहाड़ी हुआ करती थी। यहाँ से माँ नर्मदा का विहंगम दृश्य अपने को दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली ये ऊंचे पहाड़ पर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था और उस समय जो आप ये आजू बाजू मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ये उस समय नहीं हुआ करते थे। तो जंगलों के बीच में इस मंदिर का निर्माण किया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं इस मंदिर की जो वास्तु शैली है वो लगभग जो 64 योगिनी मंदिर है उसके अनुसार उसके समान ही है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद जब 64 योगिनी मंदिर का निर्माण हुआ है उसी समय पचमठा मंदिर का निर्माण भी किया गया होगा। तो पचमठा मंदिर जो है वो बहुत ही सुंदर है। दरअसल ये मंदिर भी पूरी तरह पत्थरों से निर्मित है और आप देख सकते हैं मंदिर जो है एक चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर जो है इस मंदिर के पुराने इतिहास की बात की जाए तो इस मंदिर का इतिहास जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में जो कलचुरी साम्राज्य के इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में कलचुरी शासकों ने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था। तो उनकी जो राजधानी है वो ग्राम तेवर के पास जो त्रिपुरी नामक स्थान है वहाँ पर इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर कलचुरी जो हैं उन्होंने त्रिपुरी को अपनी जो है राजधानी बनाया था। और उस समय जो है उसके बाद इस क्षेत्र में लगातार कई मंदिरों और कई जो है आश्रमों की स्थापना की गई और ऐसा आप अनुमान लगाया जाता है कि उस समय ये जो क्षेत्र है बहुत ही समृद्धशाली एक नगर के रूप में विकसित होने लगा। और दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भेड़ाघाट का पूर्व नाम भैरव घाट हुआ करता था और यहाँ पर विशिष्ट योग एवं तांत्रिक साधना की जाती थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसी के लिए यहाँ के विद्यार्थियों के लिए ही 64 योगिनी मंदिर जो पवित्र मंदिर है उसकी स्थापना की गई, जहाँ पर छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई किया करते थे। तो उस इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है उस समय कितना समृद्धशाली बन चुका था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पचमठा मंदिर जो है वो कितना सुंदर है। और अब अपन इस मंदिर के गर्भगृह की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर स्वयं भगवान शिव जो हैं वो विराजमान हैं, उनके सामने नंदी जी की प्रतिमा है और आप देख सकते हैं कि ये जो गर्भगृह है इसके अंदर काफ़ी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और ये जो है काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर जो है इसके विषय में ज़्यादा हमें पढ़ने को मिला नहीं है, पर निश्चित रूप से इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो है मंदिर अंदर से कितना सुंदर और भव्य प्रतीत होता है। दोस्तों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर के अंदर एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसमें मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जो अभिलेख है वो यहाँ पचमठा मंदिर के अंदर उपस्थित है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि संभवतः इस अभिलेख का निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी के लगभग किया गया है, तो वो भी इस मंदिर के अंदर उपस्थित है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंदिर जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और मंदिर की जो भी शिल्प रचना है वो अत्यंत मनमोहक है। तो अपन जो है इस मंदिर को एक बार ध्यान से देख लेते हैं
और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मंदिर पर जो है काफ़ी नक्काशी वगैरह की गई हैं, जिससे कि मंदिर जो है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Bird on a tree, I'm just sitting here.
got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.